हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा, जिसके लिए मैंने सारी सामग्री तैयार कर चुकी हूँ। मैं ये देखिए, तड़के में मैं जीरा, 8-10 कड़ी पत्ता और राई डालूँगी। और यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ले ली है, मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक काटा हुआ है, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसको मैंने काट लिया है। और ये रही हमारी हरी मटर, और ये रही हमारा मूँगफली जिसको मैंने हल्का सा फ्राई कर ली हूँ। मैं अब मैं गैस ऑन करूँगी। ये देखिए गैस, मैं गैस ऑन कर ली हूँ। अब मैं कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए। देखिए गैस, तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, राई, फ्राई करेंगे। मैं साथ में इसमें मटर भी डालूंगी, क्योंकि मटर होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए मैं मटर भी डाल रही हूँ। देखिए गाइस, अब मैं इसमें मटर डालूंगी, सॉरी टमाटर डालूंगी। मटर तो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, ध्यान से करिए। अब मैं अच्छे से इसको टमाटर को भी इसमें मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं गाइस, टमाटर भी हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें हल्दी और नमक डालूंगी। हल्दी नमक आप अपने स्वाद अनुसार रखिएगा गाइस। हम इसे आपस में मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं ये मूंगफली डाल के मैंने चूरे को अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने चूरा इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए गाइस, मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं कुछ देर तक इसको पकने दूँगी, मतलब अच्छे से और मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद गैस ऑफ कर दूँगी। ये देखिए गाइस, पोहा तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये देखिए हमारा पोहा तैयार है। अगर गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए गाइस, दी आ गई, अपना शाम का नाश्ता कर रही हैं।